हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिन में करते थे जासूसी और रात को चोरी जैसे खतरनाक वारदातों को अंजाम देते थे। सिरोही के कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दो मुंजिलों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बाइक चोरी व लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के इन दोनों सदस्यों को गुजरात में वापिस शहर से दबोच कर सिरोही ले आए। दोनों मुलजिम सिरोही बरलूट थाने के जावाल कस्बे के निवासी हैं। गिरफ्तार मुलजिम अजय पाल के खिलाफ पहले भी चोरी और लूट के बहुत से मामले कोतवाली थाने में दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक जय यादव की ओर से वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान शहर से मोटरसाइकिलें चुराने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए गठित की गई टीम ने मुलजिम अजय पाल को गिरफ्तार करने के लिए जावल में खुफिया तौर पर की गई जांच में पता चला कि मुलजिम चोरी छुपे घर आता जाता है। पुलिस टीम मनोवैज्ञानिक व तकनीकी आधार पर पता लगाकर गुजरात के वापी शहर पहुंच गई और वहां से मुलजिम अजय पाल व अरविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया और सिरोही ले आए। दोनों मुलजिमों ने मिलकर गत 23 जुलाई को अल सुबह सिरोही में नया बाजार भाटकड़ा निवास योगेश माली के घर के आगे पार्क महंगी बाइक को चुरा ले गए। इसकी रिपोर्ट सिरोही कोतवाली में दर्ज है। मुलजिम अजय पाल बरलूट थाने में गत 25 मई को भारतीय दंड संहित की धारा 341, 384, 392, 34 में मोटरसाइकिल चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है और बात गिरफ्तार करते उनसे अनुसंधान जारी है। ये बहुत ही शातिर चोर गिरोह है। इनका जो मोडस ऑपरेटिव है, यहाँ से बाइक चोरी करते हैं और वापी गुजरात जाके बेचते हैं और गुजरात से बाइक चोरी करके राजस्थान में आके यहाँ जालौर सिरोही बाड़मेर में बेचते हैं। ये पूरा करीब 4-5 लोगों की गैंग है जिसमें दो को हमने आज गिरफ्तार कर लिया और बाद अनुसंधान बाकी उनके साथियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। इन सभी के खिलाफ करीब दर्जन भर मामले लूट नकबजनी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के दर्ज। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।